नमस्कार, सोनालिका गौरमे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल। ये बहुत ही शानदार रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है। झटपट कोई गेस्ट आए तो आप इसको बिल्कुल जल्दी से बना सकते हैं। बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है, तो सारी सामग्री हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ये देखिए, ये कितना सरप्राइजिंग चीज़ आइटम वाला ब्रेड रोल लग रहा है। हम दो तीन तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। पहला, सबसे पहले हम पैन में तेल गरम करेंगे। इसमें थोड़ा सा मिर्ची और प्याज डालेंगे, प्याज को थोड़ा सा भुनेंगे। उसके बाद हम गाजर डालेंगे, आप चाहे तो ना भी डालें। फिर हमने जो अदरक कूटा है उसको डालेंगे, थोड़ा सा बटर, ब्लैक पेपर और नमक डाल के उसको, और थोड़ा सा इसमें मिर्ची लिया है इसमें, आप चाहे तो ना भी डालें। थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी ली है। इन सबों को अच्छे से मिला लें। फिर बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो जो हमने लिया है वो डालेंगे, बॉइल्ड पीस डालेंगे और धनिया पत्ता डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे और बीच बीच में थोड़ा इसको मैश भी कर लेंगे। इसको साइड में निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ब्रेड को लेकर पानी में भिगोएंगे और इसको अच्छे से निचोड़ेंगे ताकि ये शेप देने के लायक हो जाए। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे जो हमने आलू वाली बनाई है। तो ब्रेड को निचोड़ते हुए इसको बढ़िया से हम शेप देंगे। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, हमने इसको ओवल शेप दिया है। तो ये हमारा एक ब्रेड रोल रेडी हो गया है। अब दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, पनीर या चीज़ भरकर। और दूसरे में हमने यहाँ पे चीज़ भरा है जो मोज़रेला चीज़ क्यूब है। ये खासकर बच्चों को बहुत पसंद आता है, ये सरप्राइज़ आइटम के रूप में दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसको बिल्कुल बढ़िया से निचोड़ते हुए शेप दे दें। ये हमने सारे ब्रेड रोल्स को बढ़िया से शेप देके एक जगह रख लिया है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया शेप आया। इसी प्रकार सारे ब्रेड रोल्स को हम शेप कर लेंगे। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे और ब्रेड रोल्स को सावधानी पूर्वक उसमें रखते जाएंगे। ये इसको हमें डीप फ्राई करना है और जब तक ये गोल्डन ब्राउन होंगे तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। बीच बीच में आप चाहें तो इनको पलट दें ताकि इनका चारों तरफ से रंग बहुत ही बढ़िया आ जाए। ये देखिए, बिल्कुल से बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। इनको निकाल लेंगे और हरे धनिया पत्ती की चटनी, टोमेटो सॉस और अनियन रिंग के साथ सर्व करेंगे। हरे धनिया पत्ती की चटनी के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो शानदार ब्रेड रोल्स तैयार है। ये देखिए, कितना बढ़िया सरप्राइज आइटम बीच में चीज़ का लग रहा है। इसको बनाए, बहुत ही जल्दी बनता है, बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।